अगले सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया इन अ फ्लोरेसेंट लैंप चोक 100 वोल्ट ऑफ रिफर्स वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द चोक करंट चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0.25 एम्पीयर टू जीरो इन अ ड्यूरेशन ऑफ 0.025 मिलीसेकंड्स। है ना, जैसे चोक कॉयल होता है वैसे ही यहाँ पर चोक लैंप है एक, और ये कहा गया कि वहाँ पर जैसे चोक कॉयल होता है ना, तो चोक कॉयल में रिवर्स ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको हम लोग माइनस एल डी आई वाई डी टी कहते हैं, है ना, ये रिवर्स ईएमएफ कहलाता है। तो इसमें चेंज इन करंट भी दिया गया है, टाइम इंटरवल भी दिया गया है, और जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो भी बताया गया है। तो इसमें इंडक्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। तो एल देखेंगे, एल को लिखा जा सकता है ई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, है ना। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वो है 100 वोल्ट, इसमें दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें पूछा गया है सेल्फ इंडक्टेंस, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द चोक इन मिली हेनरी, है ना। तो चेंज इन करंट कितना या डेल्टा आई अगर निकालेंगे इसमें से, तो देखेंगे कि ये पहले 0.25 एम्पियर था, बाद में जीरो हो गया, तो चेंज जो है वो हो गया 0.25 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल दिया गया है 0.025 मिली सेकेंड्स, मतलब 0.025 इंटू 10^-3 सेकेंड्स। इसको आप सोल्व करेंगे तो यह आएगा 10^-3 हेनरी, जिसको हम लोग 10 मिली हेनरी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है मिली हेनरी में ही देना है, तो आंसर इसका आएगा 10।